एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है, इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मित्रों, मैंने ऐसी स्वार्थी सरकार नहीं जब देखी है। एक व्यक्ति को बैठ जाओ भैया। एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनना है और लालू जी के बेटे को मुख्यमंत्री बनना है, इसमें बिहार की जनता को पीस रहे हैं। मैं आज लालू जी को भी कहने आया हूं, लालू जी, नीतीश बाबू को आप जानते हो, प्रधानमंत्री वो बनने से रहे, वहां जगह खाली नहीं है, देश की जनता ने तय किया है तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो नीतीश बाबू कभी आपके बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। आप भी गलत फहमी में हो, नीतीश जी भी गलत फहमी में है, मगर बिहार की जनता गलत फहमी में नहीं है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है। और नवादा में भी नवल कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये सरकार है बुरी नीयत की, बुरी नीति की सरकार है, बेड सरकार है, भ्रष्टाचार का बी, अराजकता का ए और दमन का डी, तीन मिलकर ये बेड सरकार बनी है। ये बुरी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। मित्रों, सरकार के सहयोगी जो है वो भी विधायक हर रोज नीतीश बाबू का विरोध कर रहे हैं, वो भी जनता के विरोध का सामना कर रहे हैं। इनके आधे एमपी भाजपा के दरवाजे खटखटा रहे हैं। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के कि मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।